गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अपने ससुराल में रुकी हूँ मैं। और यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ गए थे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि दूसरे दिन पूजा है और जो जेंट्स को करनी होती है, और वो जाने वाला है कहीं दूसरे गाँव पूजा करने के लिए। तो इसी वजह से हम सभी को सुबह सुबह उठना पड़ा था। शायद हम लोग 4 बजे उठे थे और ये क्लिप शायद 5 बजे की है। तो ये बहनें ऐसे ही एक दूसरे की चोटी बना देते हैं यहाँ पर आते हैं तो, और एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये सुबह सुबह हम लोग पोहा बना रहे थे, क्योंकि वो लोग आने वाले थे। सब लोग पहले चले गए थे उस टाइम, तो मैं शूट नहीं कर पाई। इतने सुबह सुबह तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी। सब कुछ उनको निकाल के देना और सब कुछ करना, तो ये सब कुछ हो रहा था। फिर वो लोग जब आ रहे थे उस टाइम हमें उन्होंने कॉल किया था, तो हमने सोचा चलो उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखते हैं। तो इसी वजह से ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है, बहुत सुबह सुबह, मतलब 6 बजे करीब ये ब्रेकफास्ट बन रहा होगा, 6 या 6:30 बजे। तो यहाँ पर दीदी छान रही है पोहा। दीदी ने मुझे पोहा छान के दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर पोहा बना रही हूँ। तो ये दीदी ने वो लाके दिया था मुझे, मतलब क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था ना, तो इसी वजह से इतना बड़ा भगोना लिया है, मतलब जो पतीला बोलते हैं वो। और यहाँ पर पोहा बनाने की तैयारी चल रही है। तो बस वो लोग आने वाले थे 7 बजे शायद, तो मैं सोच रही थी कि चलो उससे पहले मेरा पोहा बन जाएगा और उनको आते ही ब्रेकफास्ट देने के लिए हो जाएगा। तो इसी वजह से ये यहाँ पर पोहा बन रहा है। एक्चुअली हरी मिर्च नहीं थी तो लाल मिर्च से ही काम चला रहे हैं, तो बस ये लाल मिर्च डाल दूंगी। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं पोहा कैसे बनाती हूँ, पोहा की रेसिपी सभी को पता है आप लोगों को। और बस पोहा वगैरह बन गया था, वो लोग आ गए थे, ब्रेकफास्ट दे दिया था हमने उनको। और उसके बाद ये यहाँ पर बन रहा है खाना सभी के लिए, मतलब जो भी लोग गए थे वहाँ पे, तो हमारे घर घर वाले ही थे, मतलब उधर के घर वाले। और ये हमारे बड़ा घर भी है, तो वो मैं आपको कभी दिखा दूँगी, दूसरा मतलब जो होते हैं ना बड़े पापा वगैरह, ये वो भी गए थे। तो इसी वजह से मतलब उनके बेटे भी गए थे, तो इसी वजह से उनके लिए भी, और भी 2-3 लोग घर के ही थे, मतलब घर के मीन्स वही उधर के ही, तो इसी वजह से उनके लिए भी खाना बना रहे थे। तो ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है आज खाना। और आज बनेगा दाल पालक, और उसके बाद सिंपल सा खाना बनता है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है इस खाने में। तो इसी वजह से दाल पालक बनेगा, और उसके बाद रोटी सादा वाला जीरा राइस बना लूँगी, और उसके बाद बस सलाद वगैरह रहेगा। तो यही सारी चीज़ें होगी खाने में आज। तो जो भी होगा आगे मैं आपको दिखा दूँगी। सिर्फ मैं आटा गूंद रही हूँ और उधर दीदी जो है वो काम कर रही है दूसरा, मतलब हम लोग ना मिल के काम करते हैं। आप लोगों को बताया था मैंने, महालक्ष्मी के टाइम पर भी ऐसा ही होता है, हम लोग ना बांट लेते हैं तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं आटा गूंद लूँगी। उसके बाद दीदी यहाँ पर चावल साफ़ कर रही है, और उसके बाद बड़ी दीदी रोटियां बनाने में हेल्प करेगी। तो ऐसे ही हम लोग काम बांट लेते हैं ना, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, मतलब कितने भी काम हो तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर बस खाने का थोड़ा सा मैंने संभाल लिया था, ऊपर का दीदी ने संभाल लिया था। फिर खाना बनाने में बड़ी दीदी ने मेरी मतलब रोटियाँ वगैरह बनाने में हेल्प की थी। उसके बाद मैंने सब्जी वगैरह बना ली थी, और वो काट वाट के देने में दीदी ने, बीच वाली दीदी ने हेल्प की थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी आपको बता दूँ, यहाँ पर जीरा राइस बन रहा है, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है ना, तो इसी वजह से ऐसे बन रहा है पतीले में। तो ये मैंने जीरा राइस, पहले जीरा डाल दिया है, उसके बाद वो जीरा चटकने लगा तो मैंने उसमें पानी डाल दिया, और पानी बॉयल होने के बाद मैंने चावल डाल दिए उसमें। तो ये जीरा राइस ऐसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। और जैसे मैंने घर पे बनाती हूँ मैं जैसे, तो वो तो रेसिपी अलग है थोड़ी सी, वो तो मैंने आपको दिखाई दी है इससे पहले भी, बट ये रेसिपी ज़्यादा क्वांटिटी वाली है। तो वैसे छान वान नहीं सकते ना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को, इसी वजह से ऐसे ही सिंपल सा बनाते हैं ये। और बस यहाँ पर थोड़ा सा आटा वगैरह गिर गया था, तो मैंने झाड़ू मार लिया। वैसे झाड़ू सुबह ही मार लिया था हम लोगों ने, मतलब दीदी ने ही मार लिया था। और बस यहाँ पर ना पानी भरना पड़ता है, नल आ गए थे, तो ऐसा कुछ ये नहीं है यहाँ पे, मतलब अंदर नल नहीं है, तो इसी वजह से बाहर से, बाहर आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर में कि कहाँ है, बाहर से पानी लाना पड़ता है, अंदर जो पीने वाला पानी है वो। और उसके बाद पोहा बचा था बहुत सारा, मतलब उन्होंने खाया था। उसके बाद हम लोगों को इतना सुबह सुबह खाने का मन नहीं कर रहा था एक्चुअली। वैसे हमने ना ब्रेकफास्ट सभी के लिए बनाया था, जो घर के सारे लोग हैं, बट बच्चे अभी तक नहीं खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि किसी ने ब्रश किया था, किसी ने नहीं किया था।
और हमारा तो ये काम भी स्टार्ट हो गया था, मतलब बच्चे लेट उठे थे इसी वजह से, बच्चों ने ब्रश नहीं किया था तो उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सबके लिए निकाल के रख दिया है ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर उसी के ब्रेकफास्ट के और कुछ कुछ बर्तन थोड़े से जैसे कि दाल पालक का कुकर ये वो थोड़े से निकल गए थे, तो हमने सोचा चलो ये क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फिर वैसे ही आगे बर्तन पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है, तो इसी वजह से ये वाले बर्तन हम लोगों ने क्लीन कर लिए क्योंकि थोड़े से ही थे, तो ये क्लीन कर लिए। उसके बाद हम लोग खाना बनाने में लग गए। वैसे आधा खाना तो बन ही चुका था मेरा, आधा खाना मीन्स हाँ, जैसे कि राइस भी लगा दिया था मैंने, आटा भी गूंद लिया था, उसके बाद दाल पालक का कुकर भी चढ़ा दिया था, बस अभी दाल पालक को तड़का लगाना है और उसके बाद क्या करना है रोटी बनानी है, तो तड़का मैं लगा लूँगी और उसके बाद रोटी हम दोनों मतलब जो मेरी बड़ी दीदी है वो और मैं बना लूँगी, और बीच वाली जो दीदी है वो ऊपर का संभाल लेगी, तो ऐसे करके हमारा सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ बन जाएगा। उसके बाद खाना खाने के लिए भी सभी लोग आ जाएंगे। यहाँ पर ये तो जीरा राइस बॉईल हो रहा है, उधर मैंने आटा भी गूंद के रखा है, तो आटा भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक हम लोग रोटियाँ बनाएंगे, तो यहाँ पर है आटा मैंने बना के रखा है मतलब गूंद के रखा है, तो इतना सारा आटा है तो मतलब इतना लगेगा यार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो इसी वजह से मतलब बहुत सारे भी नहीं बोल सकते बट घर के ही तो इतने सारे हो जाते हैं हम लोग, और उसके बाद उधर के घर के भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर सब्जी लाके दी थी भैया ने तो वही निकाल रही थी मैं, और बस यहाँ पर पालक तोड़ लूँगी, उसके बाद वो खीरा वगैरह है सब कुछ है, तो उसका सलाद बनाना है हमें, तो वो भी बनाने लग जाएंगी दीदी, और उसके बाद इधर का मैं संभाल लूँगी, उधर सलाद वगैरह दीदी बना लेगी, तो ये सब कुछ हमारा चल रहा है यहाँ पे, और ये सब कुछ वॉश करने के लिए दीदी लेके जा रही है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर नल थोड़ी देर के लिए आते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए पानी होता है, उस टाइम तक पानी भरना पड़ता है और बस भर के रख देना पड़ता है पतीले में या ऐसी जो जो भी स्टोर करने की जगह है पानी, तो उसमें स्टोर करके रख देना पड़ता है और उसके बाद वही यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसे गाँव का माहौल होता है। तो यहाँ पर बस वही पत्ते तोड़ रही हूँ मैं पालक के, और ये सब्जियाँ सारी वॉश करके दीदी लेके आएगी और उसका फिर सलाद बनाना है, तो वो बाद में सलाद वगैरह बनेगा, तो यहाँ पर पालक काट रही है दीदी, और यहाँ पर सॉरी मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि दाल चावल का वो कुकर लगा दिया था करके, तो मुझे याद नहीं था, तो ये बाद में हम लोगों ने कुकर लगाया यहाँ पे, और बस ये कुकर लगा दिया है, दीदी यहाँ पर बैठ गई है रोटियाँ बनाने के लिए, और मैं उनको वो लोइया बना के दूंगी और सेकूंगी मैं, और उसके बाद दीदी बेल देगी मुझे, तो ये सब कुछ हमारा यहाँ पर चल रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा था पिछले ब्लॉग में कि पापा को क्या हुआ था, पापा की डेथ कैसे हुई है, ये सब चीज़ें पूछ रहे हो सब लोग, और सबके रिप्लाई करना कमेंट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ससुराल में थी, काम भी बहुत थे, मतलब ऐसे ही हम लोगों को घर के काम में जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना था, तो इसी वजह से, और सबके रिप्लाई देना भी पॉसिबल नहीं होता है, एक ही कमेंट बार बार आ रहा था कि पापा को क्या हुआ है, तो एक कमेंट का रिप्लाई मैंने सोचा चलो व्लॉग में दे देती हूँ आपको, कि पापा वैसे ठीक ही थे, ऐसा कुछ बीमार नहीं हुए थे ना, तो कुछ हुआ था पापा को, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जैसे कि हमें पता चले कि नहीं यार पापा को ऐसा होने वाला है या पापा की अभी डेथ होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो कोरोना का कुछ प्रॉब्लम था, वैसे पापा बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेते थे, वैसे कोरोना का भी नहीं था कुछ, बट पापा को पता नहीं यार, मतलब एकदम से अभी एज भी हो गई थी ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम एज थी, बट ये भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वैसे खटिया पे पड़े थे या ऐसे थे, तबीयत ख़राब थी उनकी, वो भी नहीं था, हम ही तो शॉक हो गए थे जैसे ही हमें कॉल आया ना कि पापा को ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब तबीयत ख़राब हो रही है पापा की या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है पापा को, तो हम ही तो टेंशन में आ गए थे, वैसे ही ये मतलब चले आए थे यहाँ पे और देखा तो फिर तब तक तो पापा मतलब जा चुके थे यहाँ पर, फिर भी हम लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए उन्हें, और फिर पता चला कि डॉक्टर ने बताया कि पापा तो जा चुके हैं, बट उस टाइम तो बिल्कुल आपसे शेयर नहीं करना हुआ और ना तो फिर आपको बताना हुआ, और मैं नहीं चाहती थी यार कि आपको ऐसे कुछ टाइटल दूँ तड़कते भड़कते या कुछ ऐसे करूँ कि ही इज़ नो मोर एंड ऑल, और रोती रहूँ ऐसे थंबनेल रखूँ रोने का ये वो, मैं नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की और ये कुछ भी बताया नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुर जी की डेथ का कोई मजाक उड़ाए या ये सारी चीज़ें वो, तो बस इसी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया,
और कभी ना कभी तो शेयर करना ही था, कभी ना कभी तो ये चीज़ें आपके सामने आनी थी, तो यही सही टाइम है कि आपके सामने आ गई ये सारी चीज़ें। पिछली बार भी आप लोगों को बताना चाहती थी, पिछली बार भी ऐसे ही अमावस्या के टाइम पे हम लोग खाना खिलाने पापा को आए थे, बट उस टाइम नहीं हो पाया मुझे। मतलब जब मुझे कंफर्टेबल रहता है ना, कि जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं अभी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे अपनी फैमिली का मजाक नहीं बनाती हूँ। तो और मुझे भी नहीं लगता है कि ऐसे फालतू में कोई चीज़ शो ऑफ करो, कि कोई चीज़ ऐसे दिखाओ और फालतू में ऐसी चीज़ें करो, तो मुझे बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। और फालतू में फिर लोगों को, कुछ लोग समझने वाले होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, तो इसी वजह से सब लोग सेम नहीं होते हैं, सब लोगों की थिंकिंग सेम नहीं होती है और एक जैसे सोच नहीं होती है सबकी, इसी वजह से मैं फालतू चीज़ें ऐसे बताती नहीं हूँ ज़्यादा। और अभी लगा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, इसी वजह से लगा कि चलो मैं बता दूँ आपको कि क्या हुआ था और क्या नहीं, तो इसीलिए बता दिया आपको। और बस आपने समझ भी लिया है, बहुत ज़्यादा समझदार हो आप लोग, कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली है और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि चलो यार देर से बताया, बट बताया तो सही, और ये सारी चीज़ें मेरे प्रॉब्लम्स भी समझ लिए हैं आपने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पिछले ब्लॉग के जो आपने कमेंट्स किए हैं ना, इतने अच्छे और इतने पॉजिटिव कमेंट्स है उस पर, कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट्स को पढ़ के। और मेरे हस्बैंड को भी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, उन्होंने एक एक कमेंट पढ़ा है आप लोगों का और मुझे बताया कि देखो आपके सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको कितना ज़्यादा समझते हैं, और देखो क्या क्या लिखा है उन्होंने आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी और उन्हें भी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना, और इसी ही प्यार की और इसी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सच में। आप जैसे लोग होते हैं ना साथ में, तो ऐसे एकदम से मोटिवेट हो जाती हूँ और एकदम से ऐसे हौसला मिल जाता है कि चलो कोई है हमारे पीछे, कोई मेरे पीछे है और वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और ऐसे ही साथ देते रहना। तो चलिए फिर, यहाँ पर बस खाना बन गया है, यहाँ पर मैंने दाल पालक भी बना दिया है आप लोगों के साथ बातें करते करते, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी उस टाइम, बट चलिए आपको बता दिया सब। और उसके साथ उधर सलाद भी बन रहा है, यहाँ पर मेरी दाल पालक भी बन गई है, और बस अभी परोसने का ही टाइम है, तो यहाँ पर बस परोसने के लिए सभी लोग लगे हैं, जैसे कि भैया और मेरे दीदी के बेटे जो बड़े बेटे हैं, और उसके बाद यही सब चल रहा है यहाँ पे, परोसने वाले हैं, उसके बाद वो लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए सभी, उधर के घर वाले सब, और बस यहाँ पर वही खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद हम लोग लेडीज़ खाना खा लेंगी। और यहाँ पर जो जो बना है वो आपको दिखा देती हूँ, सब लोग झगड़ा कर रहे हैं परोसने के लिए यहाँ पे बच्चे, वैसे ही होता है हमारे घर पे, सब बच्चे मिल जाते हैं ना तो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, और बस यहाँ पर सब लोग जेंट्स बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और उसके बाद हम लोग लेडीज़ बैठ जाएगी खाने के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चों को बिठा दिया था खाने के लिए अंदर, क्योंकि इन्हें भूख लगी थी, उसके बाद हम लोग बैठ गए थे ना तुरंत, तो वो उधर ही आ गई थी, तो और हमें आना भी था इधर क्योंकि इन्हें जाना था ड्यूटी और ये ड्यूटी मिस नहीं कर सकते थे, इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया जल्दी जल्दी और निकल गए यहाँ से, क्योंकि क्या होता है कि इनकी ड्यूटी की वजह से ना थोड़ा सा हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कहीं पर भी जाते हैं हम लोग तो, और घर वाले समझ लेते हैं, बट कहीं दूसरी जगह जाते हैं ना तो नहीं समझ पाते हैं, इनकी ड्यूटी ही ऐसी है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ से हमें तुरंत निकलना पड़ता है जैसे ही इनकी ड्यूटी का कॉल आता है। और हाँ, अभी भी जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उन्हें नहीं पता है कि इनकी जॉब क्या है, तो ये पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, और बहुत सारे लोग अभी भी पूछते रहते हैं, तो इसी वजह से अभी बता दिया। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, टाइम ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला कि हम लोग यहाँ पर घर पे पहुँच भी गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं घर पे, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे घर के अंदर जाने के बाद। तो गाइस घर पे पहुंच गए हम लोग और बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना।
आपको अगर नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारी चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।